के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। मेरी माँ के कंगन लो। वो तो मैंने बहुत संभाल कर रखे बेटा। ट्रिपल टैक्स यानी तीन गुना लगा देगा। ठीक है। साहूकार और जमींदार, इनके किस्से पहले आम सुनने को मिलते थे, अब वो नहीं रहे ऐसा सरकार कहती है, लेकिन वो अभी भी हैं, बस उनके नाम और चेहरे बदल गए हैं और बकरे को हलाल करने का तरीका। मेरी ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हर राह पे चलने वाले, बस में बैठे, ट्रेन में जाने वाले, इवन फ्लाइट में उड़ने वालों की भी कहानी है, जिनमें से 65% विक्टिम और 35% कल्प्रिट। और इन 100% में मैं कौन हूं? A victim. I'm Varun Jain, staying in Mumbai from last 10 years. My salary, 50,000 rupees. TDS, 5,000 rupees. Mobile bill, 3,000 rupees. Grocery, lagbhag 4,000 rupees. Travelling, 5,000 rupees. Clothes, 3,000 rupees. काम वाली बाई 2,000 रुपये, घर पे पैसे भी भेजने पड़ते हैं 5,000 रुपये, बिजली बिल 3,000 रुपये, रूम रेंट 25,000 रुपये, टोटल हुआ 55,000 रुपये। और मेरी सैलरी 50,000 रुपये। अगर मैं मेरी सैलरी से मेरे खर्चे कट करूँ तो जुड़ते हैं हर महीने 5,000 एक्स्ट्रा। अगर इसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करूँ तो हुए 60,000 रुपये। और अगर इसमें मैं ब्रोकरेज, NOC, सोसाइटी फीस और डिपॉजिट जोड़ूँ तो लगभग हुए 1,20,000। तो मेरे भाई, ये 1,20,000 आते कहां से हैं? हे गगन। अबे ओए साले, मेरे साथ फॉर्मेलिटी MCBC करानी है क्या? थैंक्स यार। फिर से थैंक्स। ऑफिस से 6-7 दिन में चेक आ जाएगा, जैसे क्लियर होगा तेरे को लौटा दूंगा। हाँ यार, मेरा भी रेंट है नेक्स्ट वीक, मिलते हैं। ठीक है, ओके। आज शाम को आ रहा है ना? विवेक पाजी के घर। विवेक पाजी, चल चल मिलता हूँ। हेलो दिनेश भाई। अरे जय माता दी, कैसा है वरुण भाई? किधर है तू? हाँ, 2 घंटे से तेरा इंतजार हो रहा है, फोन भी लगाया, फोन भी नहीं उठाता तू। बस मीटिंग में था, फिर बाइक चला रहा था, इसलिए फोन का पता नहीं चला। भाई साहब, पता तो आपको तब लगता जब मैं रूम पर अपना ताला लगा देता। पूरे 15 दिन ऊपर हो गए रेंट के। देखो, अगर आज रेंट नहीं मिला ना तो पूरे 1,000 रुपए फाइन मारूंगा। आज भी रेंट देने आए हो या सिर्फ मुस्कुराने आए हो किसी नए बहाने के साथ? अरे नहीं नहीं सर, ये लीजिए आपका रेंट। पंद्रह दिन बाद दूसरा रेंट है, उसे लेट मत करना, वरना इस बार तो पक्का 1,000 रुपए फाइन मारूंगा। ओ, बिजली का बिल भरा? जी, भर दिया। वॉचमैन बता रहा था कि तुमने काम वाली और अंडे वाले के पैसे नहीं दिए। और हाँ, सोसाइटी से तुम्हारी कंप्लेंट भी आई थी, 2 बार लड़की आई थी और रात को रुकी भी थी। क्या भाई, क्या नाटक चल रहा है ये सब? शी वाज जस्ट माय फ्रेंड, उस बेचारी को रहने की दिक्कत थी तो शी स्टेड विद मी। अरे भाई, तुम खुद रेंट पर हो, मेरे घर को धर्मशाला मत बनाओ। NOC तुम्हारी है, आगे से कोई रुकना नहीं चाहिए, समझे? जी हाँ। दिनेश भाई, इनके बगल वाला रूम है ना 504, यार उसका कुछ कीजिए ना, टाइम से वो लोग रेंट नहीं देते हैं, उनसे खाली करवाइए और एक नई पार्टी ढूंढ दीजिए। देखिए, डिपॉजिट 1 से 80,000 चलेगा,
लेकिन रेंट 18 से 22 करवा दीजिए। वो क्या है ना कि आजकल पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है। अरे देखते हैं। थैंक्स वरुण भाई, मिलते हैं 1 तारीख को। देखिए इस बार किराया लेट मत करना, नहीं तो आपका भी रूम खाली करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, इस बार टाइम पे आ जाएगा। गुड। हाँ जी, क्यों वरुण, ये तेरा हर महीने रेंट लेट क्यों आता है? क्या करूं भाई, कंपनी वाले 6 महीने से चेक लेट दे रहे हैं। ये जो रेंट दिया है ना, ये भी दोस्त से उधार मांग के लाया हूँ। उधार लिया ना तो 2 महीने का और उधार ले लेता। ये जो ऑनर है ना, एकदम पागल है। 5 फ्लैट हैं इसके, सिर्फ तू और तेरे बाजू वाले का हर महीने का ड्रामा होता है रेंट का। देख अगली बार इसने 1000 रुपया फाइन मारा ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब भाई अगर मेरी कंपनी वाले चेक लेट दे रहे हैं तो इसमें मेरी गलती है क्या? हाँ, आप क्या चाहते हो, चोरी करो क्या कहीं जाके? 1 लाख डिपॉजिट पड़ा है इसके पास मेरा। तो एहसान किया क्या, तो भग गया तो? चलो मानो मैं भाग गया, तभी 1 लाख डिपॉजिट पड़ा है इसके पास जिसमें से 3 महीने का रेंट बैलेंस बचता है। अरे तो गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? हाँ? जैसे तू अपनी कंपनी की सैलरी पे डिपेंड है ना, वैसे ही ऑनर रेंटल के रेंट पे। जब तू रेंट देगा तब ये जाकर बैंक में इंटरेस्ट भरेगा। तो ये क्यों नहीं करता, ये जो इसके पास 1 लाख रुपए मेरा डिपॉजिट पड़ा है उसमें से एडवांस 4 महीने का इंटरेस्ट निकाले और बैंक में भर दे। अरे सेफ रखना पड़ता है ना, कल को तू 1 महीने का नोटिस देके जाने को बोलेगा तो पैसा तुझे वापस करना होगा ना। देख ये एग्रीमेंट का असूल बड़ा सोच समझ के बनाया गया, ऐसे ही हवा में नहीं बनाया गया। दिनेश भाई मेरी तो ये सब समझ से बाहर है। तो पहले समझ ले भाई, फिर बहस कर। और हाँ, ये 2 महीने बाद तेरा एग्रीमेंट रिन्यूअल होने वाला है। अब तू बता दे कि तू कंटिन्यू करेगा कि जाएगा। कोई अच्छा ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन? अबे क्या ऑप्शन की बात कर रहा है तू? शिफ्टिंग के चक्कर में तू अपना सामान तोड़वाएगा, 2 महीने का ब्रोकरेज देगा, पेपर एनओसी कहाँ पढ़ा है तू? बहुत पैसे हो गए तेरे पास। बात तो सही कह रहे हो, यही कंटिन्यू कर लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, 2 महीने का ब्रोकरेज और पेपर का 6000 दे देना, वो भी टाइम पे। तो अभी से उधार मांगना शुरू कर दे, शायद जुगाड़ हो भी जाए। ठीक है चलता हूं मैं। गुस्सा मत किया कर, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। किसान अनपढ़ हुआ करते थे जो सिर्फ अनाज के बीज लेने के लिए साहूकारों के कोरे कागज पर अंगूठा लगा दिया करते थे। मगर हमने यहाँ पढ़ लिख कर क्या कर लिया, खुद ब्रोकर से एग्रीमेंट बनवाते हैं, फिर पुलिस से एनओसी करवाते हैं और गवर्नमेंट से नोटरी कर साइन करके ये कबूल करते हैं कि हाँ हम आपको हर महीने लगान देंगे। साहूकारों की निगाह किसान की फसल पर रहती थी और यहाँ रूम ओनर की निगाह हमारी सैलरी पर। अरे वरुण, मिलिए इनसे। ये हैं हमारे विवेक पाजी, मुंबई में 4th घर लेने की खुशी में पार्टी दे रहे हैं। विवेक पाजी नए घर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे इसकी क्या जरूरत थी भाई, नहीं आ जाता इसके बिना। गाइस गाइस वरुण, एंजॉय द पार्टी। हां भाई, हां हाय गाइस। हेलो वरुण। हेलो। हे हाय। हे वरुण, आर यू ओके? आई एम फाइन। वरुण, यू वांट टू हैव बियर? हाँ यार, इसकी बहुत जरूरत है। ओ बैठ 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 बैठ, ले भाई। अरे और किसी ने कुछ चाहिए भाई? अरे भाई यहाँ पे सब कुछ सेट है यार, तू बैठ जा अभी। ले भाई, चीयर्स मार। चीयर्स भाई। चीयर्स। अच्छा भाई। चीयर्स। वरुण, मीट माय फ्रेंड अशोक जी, ही इज अ राइटर। हेलो अशोक जी। हाय। तो क्या लिखते हैं आप? अशोक जी फिलहाल मेरा सीरियल लिख रहे हैं। सीरियल? मुझे लगा शायद मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते होंगे। हाँ वो भी लिखता हूँ, लेकिन बेसिकली सोशल मुद्दे पर लिखता हूँ। वरुण, ये जो भी लिखते हैं ना उसकी डेप्थ तक जाते हैं और उसका सलूशन जरूर निकालते हैं। फिलहाल तो इसकी डेप्थ में जा रहा।
एकदम सही। तो हर डेप्थ में हर बात का सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं आप, हाँ? और किसी चीज का सोल्यूशन ना निकले तो? ऐसा हुआ नहीं है आज तक। 99% तो मिल ही जाता है और 1% लगता है आपका सवाल बहुत बड़ा। आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने सवाल का जवाब, 99% में मिल जाएगा शायद, 1% में क्यों जाए हम? So what do you think about room rent? I mean, rent mafia. Oh, rent mafia? Yes, rent mafia. मतलब हमसे गलती हो गई कि हम किसी और मुल्क में नहीं बल्कि अपने मुल्क में किसी और शहर से आए हैं, वो भी अपने काम के सिलसिले में, जहां हमें कोई नहीं जानता और वहां हमें रूम रेंट पे लेना पड़ता है। I agree. सर, आपने रेंट माफिया पे कुछ लिखा है? नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूं आप लोगों की प्रॉब्लम। आप लोग इंडिया के कोने कोने से आते इस बंबई शहर में, प्रॉब्लम तो है, इट्स एन इशू। इशू? अशोक जी, ये इशू नहीं है, इट्स अ स्लो पॉइजन जो हर महीने हमारी सैलरी को कट करता है और जो थोड़ी बहुत बेहतर जीने की उम्मीद होती है उसे मार देता है। यस, एग्जैक्टली। गाइस, फॉर एग्जांपल, मुझे एक्ट्रेस बनना था, सो मैं अपना शहर छोड़कर यहाँ मुंबई जैसी माया नगरी में आई। ठीक उसी तरह कितने सारे लोगों के अलग अलग एम्स होते हैं और वो अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाते हैं और एज यूजुअल वो रेंटल बेसिस पर रहते हैं। सो आई एग्री विद। हाँ, और नए शहर में आकर रूम रेंट पे लेना पड़ता है। अच्छा, तो भाई अड़े सारे रेंटल बैठे हैं, हाँ? वैसे अशोक जी, यहाँ ना लोगों ने धंधा बना के रखा है, एक फ्लैट खरीदते हैं और अपना रेंट बचाते हैं, फिर सैलरी सेव करते हैं, उसे दूसरा फ्लैट खरीदते हैं, उसे रेंट पे चढ़ा देते हैं, फिर उसका जो रेंट आता है ना उसे तीसरे फ्लैट की ईएमआई भरते हैं। मतलब ये विवेक भाजी, ये आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं तो बस बात कर रहा था। देख भाई वरुण, हमें जमींदार आदमी, ठीक से हमें बचपन से ही जमीन खरीदनी सिखाई है, वही हमने खरीद ली भाई। भाई तेरा बाप बेच सकता था, जिनके नहीं बेच सकते उनका क्या, तो भाई नहीं आना चाहिए था ना। इसका मतलब सब लोग अपने अपने सपने देखने छोड़ दें? Exactly. भाई झगड़ा मत करो यार। भाई हमारी तो आवाज इसी है, बोला मीठे है लागे कड़ी है। बात तो सही है, लेकिन सोल्यूशन तो ढूंढो। सोल्यूशन? अशोक जी, कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक लोग तीन तीन चार चार फ्लैट लेने बंद नहीं करेंगे ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यही तो सोल्यूशन है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लोगों को एक से ज्यादा फ्लैट नहीं खरीदने चाहिए। जीने के लिए तो एक ही घर काफी होता है, बाकी लोग दिखावा और पैसा कमाने के लिए। राइट? अरे भाई शकी से राइट भाई, जिसके द्वारा पैसे है वो तो खरीदेगा भाई। बात तो सही कह रहा है, जिसके पास पैसे होंगे वो तो खरीदेगा। विवेक भाजी, रहने के लिए तो एक ही घर चाहिए, अब एक इंसान दो घर में तो रह नहीं सकता। राइट। मतलब इंडिया में इंसान के पास उसके नाम का एक ही घर होना चाहिए। राइट। पर ये कैसे संभव है? किसी के पास इतना सारा पैसा है वो क्या करेगा उन पैसों का? फ्लैट ही तो खरीदेगा ना, उसी में उसका मुनाफा है, और वही कर रहा हूँ। तो खरीदे ना, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, अगर एक इंसान हर स्टेट में एक घर बनाता है तो कितने घर हुए? 29। कम से कम यहाँ तीन तीन फ्लैट खाली होंगे तो रेंट कम होगा, प्रॉपर्टी के रेट कम होंगे। मुंबई में 65% लोग रेंट पे रहते हैं कि नहीं रहते, तो वो जो 65% घर हुए, बाकी बचे 35% लोगों के हुए जो रेंट माफिया का धंधा चला रहे हैं। अरे वो तो छोड़ो, यहाँ महाड़ा के जो अलॉटेड फ्लैट्स हैं, उनको गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए अच्छी तरह से। सही बात है, यह रूम किसी और का, पावरा फटौने किसी और की, और चला रहे कोई और बिचौलिए इतने ज्यादा बीच में आ जाते हैं कि रेट इतना बढ़ जाता है कि तुम लोग एफोर्ड ही नहीं कर सकते। सही बात है। अशोक जी एंड फ्रेंड्स, मैं तो ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना चाहिए कि एक स्टेट में एक नाम पे एक ही घर, और अगर उसके बावजूद भी कोई इंसान दूसरा घर खरीदता है तो उसे गवर्नमेंट को जाकर सीधा सीधे इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो पहले घर का क्या कर रहा है, या फिर उसे रेंट पर चढ़ा रहा है या फिर लॉक कर रहा है। तो अगर वो बंदा अपने दूसरे घर को रेंट पर चढ़ाता है तो गवर्नमेंट उसका रेंट डिसाइड करे। एक्चुअली अगर रूम ओनर को अपना रूम रेंट पे चढ़ाना है तो गवर्नमेंट उस रूम को अपनी कस्टडी में ले और खुद ही तय करे उसका रेंट कितना होना चाहिए और खुद ही रेंट पे चढ़ा दे। हाँ, और फिर एरिया वैल्यू अपने प्राइम लोकेशन और ईस्ट वेस्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए स्क्वायर फीट के हिसाब से। एग्जैक्टली। मतलब 500 स्क्वायर फीट का मकान 5000 का किराया है, और
1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट जो है वो उसका 10,000 रुपए किराया है, इतना तो अफोर्ड कर सकते हो तुम। मगर ये कैसे हो सकता है? मतलब लोखंडवाला में रहने वाले लोग मीरा रोड के हिसाब से थोड़ी ना रेंट देंगे। क्यों भाई, लोखंडवाला में पानी फिल्टर और मीरा रोड में गंदे नाले का आता है? साला तुम लोगों ने ना एरिया को भी नहीं छोड़ा, कास्ट सिस्टम की तरह डिवाइड करके रख दिया एरिया को। मतलब जो लोखंडवाला में रहे वो ब्राह्मण और जो मीरा रोड में रहे वो स्केड्यूल कास्ट। हद है यार तुम लोगों की। ऐसा लग रहा है मैं जेएनयू में बैठा हूँ और डिबेट चल रहा है। देखो भाई, हम लोग टॉलरेंट है, जरा सहनशीलता सहिष्णु तरीके से समस्या का समाधान ढूंढे। क्यों भाई? सर सोल्यूशन है मेरे पास, गवर्नमेंट को एक ऐप बनानी चाहिए, रेंटल फ्लैट ऑफ इंडिया। अगर मुझे आज इंडिया के किसी भी कोने में अगर एक फ्लैट रेंट पे लेना है तो मैं घर बैठे बैठे इस ऐप के जरिए फ्लैट रेंट पे ले सकता हूँ। और डॉक्यूमेंट्स उसकी तो टेंशन ही नहीं, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन सबमिट करना है। और हाँ वरुण, ये सब जो ब्रोकरेज का सिस्टम है ना, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज हमारी डील गवर्नमेंट के साथ होने वाली है और ना ही किसी रूम ओनर के साथ। बात तो सही है भाई, मुझे तो ये सोल्यूशन एकदम सही लग रहा है, एक स्टेट में एक ही घर। अकॉर्डिंग टू मी ये ऐप वाली सोल्यूशन आनी चाहिए। से मंत्रियों के नाम जो बेनामी प्रॉपर्टी होती है ना, उसका गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि इसके पास क्या है, और इससे गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा टाइम से। हैं? वाह, यही तो सोल्यूशन है। अशोक जी, सोल्यूशन ऐसे नहीं निकलेगा, जब तक लोग तीन तीन चार चार फ्लैट लेने बंद नहीं करेंगे ना, सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। होगा और जरूर होगा, बी ऑप्टिमिस्टिक वरुण, कम ऑन। इनफैक्ट मेरे नेक्स्ट आर्टिकल का मुद्दा भी यही होगा, और वो कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है। 15 मिनट में हमने बात कहां से कहां तक लाई। अब जरा सोचो उन लोगों के बारे में जिन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। वो जरूर हमसे बेहतर उपाय ढूंढ ही निकालेंगे, और अगर नहीं भी निकालेंगे तो तुम लोग हो ना, तुम लोगों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, पता है? कैसा हथियार? सोशल मीडिया। तहलका मचा दो। चलो देखते हैं ये बात निकली है तो कहां तक जाती है। बात कहां तक जाती है उससे फर्क नहीं पड़ता, बात दिल्ली तक कब जाती है उससे फर्क पड़ता है। अरे लीव द टॉपिक भाई, तुम के रेंट माफिया लाए बैठे हो, पार्टी चल रही है हैं नए फ्लैट की। अरे भाई इसे नहीं चढ़ाएंगे किराए पे, ठीक है? अब तो खुश गाइस प्लीज, विवेक पाजी की पार्टी क्यों खराब कर रहे हैं हम सब यहाँ बैठ के। चीयर्स। 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 चीयर्स।